हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और लिब्रा कैल्क में एक फॉर्मूला हम सीखेंगे जिसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। कैसे यूज किया जाता है, क्या फायदा होता है। सपोज कीजिए कि आपने एसबीआई बैंक में, अब देखिए इसको मैं नाम दे देता हूँ एसबीआई बैंक, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने एसबीआई, ठीक है, और ये देवरिया का बैंक है तो यहाँ लिख दिया देवरिया। तो एसबीआई देवरिया में आपने एक खाता खोला, ठीक है, और ये खाता जो है आपने रिकरिंग खोला है। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि 3 साल तक के लिए खाता खोला है तो 6.5% के हिसाब से अभी ब्याज हमें मिलेगा। तो 6.5% की दर से अगर हमें ब्याज मिलता है तो 3 साल बाद हम 100 रुपए का खाता खोलते हैं तो कितना रुपया हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और यहाँ एक फॉर्मूला होता है एफपी, ठीक है। तो ये एफबी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद हमको सबसे पहले तो रेट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा रेट है, अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हर महीने का कैलकुलेट करना है, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर अब यहाँ पे कह रहा है एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड। एनपीईआर का मतलब होता है तो कितने दिनों के लिए खोला, तो ये 3 साल के लिए खोला गया है। इसको 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 साल में 36 महीने हो जाएंगे, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ कह रहा है पीएमटी, तो पीएमटी तो लोन कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो यहाँ पीएमटी का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसका काम है, पीवी का काम है। तो प्रेजेंट वैल्यू, खाता खोल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पर 2 कॉमा आप लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 कॉमा लगा लीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। 0 क्यों लिखते हैं, महीने के अंत में ब्याज कैलकुलेट होगा तो 0 लिखेंगे, और जिस डेट पर खाता खोल रहे हैं उस डेट पर ब्याज कैलकुलेट होगा तो वहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम 0 ही लिख देते हैं, अभी 1 भी दिखाता हूं आपको। यहां एंटर प्रेस किया मैंने, ये आपका माइनस में आ रहा है। एक्चुअली यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं यहां पर क्या करता हूं, लिखता हूं -1, ठीक है, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इज इक्वल टू का निशान लगाया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 से और यहां पर हमारा आंसर जो है प्लस में आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं, कि ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आया हुआ है ये हमारा ब्याज सहित टोटल आया हुआ है, यानी कि अगर 100 रुपए जमा करते हैं हम एक महीने में तो 12 महीने में 1200 रुपए जमा करेंगे और 3 साल में 36 महीने होते हैं तो 3600 रुपए 63 रुपए 17 पैसे आपको ब्याज मिलेगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा।